क्या आपको भी कोई परेशान कर रहा है? क्या आप भी प्रधानमंत्री से डायरेक्ट शिकायत करना चाहते हैं? तो जी हाँ, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको मान लो कभी पुलिस ज़्यादा परेशान करे, या फिर सरकारी डिपार्टमेंट वाले परेशान करें, या फिर आंखों के सामने आपके कोई घोटाला हो रहा है, या फिर आपको कोई संदेश पहुंचाना है प्रधानमंत्री के पास, तो आप ऑनलाइन शिकायत कैसे करोगे, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली हम आ गए हैं पीएम इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट pmindia.gov.in। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप भी ऑफिशियल वेबसाइट के इसी पेज पर आ जाओगे। अब सिंपली आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ से। तो हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए, गुजराती, कनाडा, मलयालम, मराठी, तो अभी हम हिंदी ही रहने देते हैं। इसके बाद से आपको नीचे ड्रैग करना है। ड्रैग करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन दिख जाएंगे। अपने विचार, मतलब अगर आपको अपने आइडियाज या फिर विचार साझा करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है, नहीं तो अगर आपको शिकायत करनी है तो आपको सिंपली यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। न्यू पेज ओपन होने के बाद देखिए, अब आपके सामने एक फॉर्म आ गया है जिसे आपको फिलअप करना होगा। जो भी आपकी शिकायत है, अपने नाम एड्रेस से आपको फिलअप कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप हिंदी में शिकायत करना चाहते हो तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश में लिखो। अभी तो बाय द वे मुझे दो ही लैंग्वेज आती है, तो हम यहाँ आपको टाइप करके दिखाते हैं। तो आप देखिए, यहाँ आप जो भी टाइप करोगे ऑटोमेटिक यहाँ आप देखिए टाइप हो रहा है। और हाँ, आप देखिए आगे आपको क्या करना है। अगर आप पुरुष हो, मेल हो, फीमेल हो, या फिर ट्रांसजेंडर, या फिर आपको इस संगठन से हो, तो आपको अन्य पर क्लिक कर देना है। अगर नहीं हो तो फिर आप मेल फीमेल पर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद से आपको सिंपली अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, तो भारत आपको सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ अपना पता देना होगा, जो भी आपका पता है, ठीक है। उसके बाद से आपको अपना पिन कोड यहाँ फिलअप करना होगा। पिन कोड फिलअप करने के बाद आप अपना जो जिस स्टेट में आप बिलोंग करते हैं, आपको अपना स्टेट यहाँ फिलअप कर देना होगा, ठीक है। फिलअप करने के बाद देखिए, अभी ये सर्च कर रहा है। जैसे ही आप स्टेट फिलअप अपना करोगे तो यहाँ कुछ आपका सर्च करेगा। तो जैसे ही आप अपना स्टेट फिलअप कर दोगे, उसके बाद से आपका डिस्ट्रिक्ट मांगेगा, फिर आपका फ़ोन नंबर, उसको आप छोड़ो, फिर अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ फिलअप कर देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आप अपना यहाँ ईमेल आईडी फिल कर देना, ताकि जो भी शिकायत करो, आप जो भी उसका नोटिफिकेशन हो आपके ईमेल आईडी पर आता रहे। फिर आपको सिंपली यहाँ से अपना कैटेगरी चूज करना है, कि मतलब आप किस कैटेगरी, लोक शिकायतें, सुझाव, प्रतिक्रिया, तो धोखाधड़ी से जुड़ी अगर आप शिकायत करना चाहते हो, या फिर आप शुभकामनाएं देना चाहते हो प्रधानमंत्री को, या फिर संदेश अनुरोध। लेकिन अभी आप लोक शिकायतें कर रहे हैं तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपको जिस मैटर में भी आपको शिकायत करनी है, जो भी आपका मैटर है, आपको यहाँ फिल लिख देना है, ठीक है। आप पहले से अगर आपने कॉपी करा है, ठीक है, या फिर आप यहाँ देखो, मान लो अगर आप कोई पीडीएफ हो जिसे आप अटैचमेंट करना चाहते हो, या फिर मान लो अगर पेपर में कोई वो मामला निकला हो और आप यहाँ अटैच करना चाहते हो, तो आप सिंपली हाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब अपना यहाँ से आप चूज फाइल कर सकते हो, तो सिंपली आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप अपने गैलरी से जो भी आपको फोटो लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ एक पिक ले लिया है, अब आपको सिंपली अटैच पर क्लिक कर देना है। अटैच पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ से जमा करें, आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। वहाँ जो भी आपने अटैच किया होगा वो हो जाएगा। देन आपको यहाँ कैप्चा कोड फिलअप कर देना है।
देखिए ये कैप्चा कोड दिख रहा है, सिंपली आपको यहाँ फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका जो आप जो शिकायत करेंगे वो डायरेक्टली प्रधानमंत्री के पास चला जाएगा। और उसमें क्या अभी प्रोसेस हो रहा है, कहाँ से आप देख सकते हो, मैं आपको ये भी बता दूंगी, ठीक है। तो आपको सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप अपने पास रख लेना और आपके ईमेल आईडी पर भी वो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, जिससे कि आप अपना स्टेटस देख सकते हो कि क्या अभी प्रोसेसिंग आपके जो शिकायत की है आप उसमें क्या प्रोसेसिंग अभी हो रही है। मतलब कि आप यहाँ से ऑनलाइन शिकायत तो कर दोगे, बट आपको 3 मंथ तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा आपको सब्र रखनी पड़ेगी और जो आपने शिकायत किया है उसका हल जरूर निकाला जाएगा, बट 3 मंथ में, ठीक है। तो आप ऐसे ऑनलाइन कर सकते हो। तो हम चलिए जान लेते हैं आप कहाँ से अपना स्टेटस देख सकते हो। तो सिंपली आपको pgportal.gov.in पर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि यहाँ आप देखो कि बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, होम अबाउट अस, मतलब व्यू स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। व्यू स्टेटस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर देना है, फिर हमें पासवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी तो आपको पासवर्ड नहीं फिल करना है, आपको अपना आईडी या फिर फ़ोन नंबर आप यहाँ से फिल करिए। फिल करने के बाद आपको कैप्चा कोड फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। देन जो है आपका ये आपको दिखा देगा कि आपका जो शिकायत आपने किया उसमें क्या प्रोसेस हुआ है, कब तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से जो आपने शिकायत किया उसे प्रिंट भी कर सकते हो। तो ऐसे आप प्रधानमंत्री से शिकायत डायरेक्टली कर सकते हो। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो बस मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।